कन्या सम्मान योजना के तहत आपसे एक बड़ी अपडेट निकाल के आ चुका है। चौथी किस्त को लेके लाभार्थियों को खुशखबरी निकाल दिया है कि 5 नवंबर को सतपूजा के आवास पर यानी कि अवसर पर सभी महिलाओं खाते में राशि जमा होने वाला है, लेकिन अब तक महिलाओं के खाते में राशि जमा नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम जानेंगे कन्या सम्मान योजना की चौथी किस्त है, चौथी किस्त आपको कब तक दिया जाएगा, और चौथी किस्त की जो पैसा है पैसा आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन में कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से लाभार्थियों का मैसेज नहीं आ रहे, आधार कार्ड से जहां पर लिंक है उसी पर भी कोई भी मैसेज नहीं मिल रहे, उन सभी लाभार्थी चेक नहीं कर पा रहे कि कन्या सम्मान योजना का जो इंस्टॉलमेंट है इंस्टॉलमेंट खाते में आया कि नहीं। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम जानेंगे कि कन्या सम्मान योजना का पैसा कब मिलेगा, कन्या सम्मान योजना का पैसा खाते में आया या नहीं आप अभी घर बैठे अपने मोबाइल फोन में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों कन्या सम्मान योजना की तरफ से और एक बड़ी अपडेट है, अगर आप पात्रता महिला है बेटी है आपका वर्ष 18 से लेकर 91 वर्ष तक है तो दोस्तों आप कन्या सम्मान योजना में आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन का जो लास्ट डेट था सितंबर अगस्त तक था, लेकिन यह जो लास्ट डेट है अभी दिसंबर तक बढ़ा दिया है। अगर आपने कन्या सम्मान योजना के तहत पात्रता है एलिजिबिलिटी कैटेगरी के अंदर है तो दोस्तों आप कन्या सम्मान योजना के तरफ से आवेदन भी कर सकते हैं, आवेदन अभी चालू है। तो दोस्तों कन्या सम्मान योजना की जो चौथी किस्त है यह चौथी किस्त कब तक लाभार्थियों के खाते में रिसीप्ट होगा, ऐसे भी देखिए तीसरी किस्त जो कन्या सम्मान योजना के तरफ से 91 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में मिल चुका है, लेकिन अभी 55 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में जो चौथी किस्त है चौथी किस्त मिलने वाले जिन महिलाओं का खाते आधार कार्ड से लिंक होगा और पात्रता महिलाओं है सभी महिलाओं के खाते में 1-1 हजार करके ट्रांसफर राज्य सरकार की तरफ से जल्द ही होने वाला है। लेकिन ये तो इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट की पैसा यानी कि राशि आप कैसे चेक कर सकते हैं, और ये इंस्टॉलमेंट का जो 1 हजार की राशि है ये 1 हजार से बढ़ाकर 3 हजार तक जा सकते हैं, लेकिन इस बार जो चौथी किस्त है ये 1 हजार सभी महिलाओं के खाते में रिसीप्ट होगा अगर आपका वर्ष 18 साल से ज्यादा है, क्योंकि महिला और बेटियों सभी को योजना के पात्रता माना गया है। और कन्या सम्मान योजना के तरफ से एक रूल्स था कि 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सभी लाभार्थियों को खाते में 1-1 हजार करके जमा किया जाएगा, लेकिन छठ पूजा की एक बड़ी ऑफर लेके आया था कि छठ पूजा के पहले ही सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा जमा किया जाएगा, लेकिन अब तक लाभार्थियों के खाते में पैसा जमा नहीं हुआ है। ये जो पैसा है 10 तारीख से लेके 15 तारीख को 20 आपका खाता में कभी भी आ सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि कन्या सम्मान योजना का जो पैसा आपका खाते में आया कि नहीं। तो दोस्तों कन्या सम्मान योजना का चौथी की चेक करने के लिए सभी लाभार्थियों को अपने ही मोबाइल फोन में कोई भी एक इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करना होगा। इंटरनेट ब्राउजर ओपन करने के बाद या चार्ज ब्राउजर में चार्ज करना होगा PFMS। PFMS चार्ज करने के बाद सबसे पहली जो लिंक मिलेगा PFMS.NIC.IN ये वेबसाइट पर विजिट करना होगा। बहुत से लाभार्थियों का आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक है उसके बाद भी मैसेज नहीं आ रहे, तो दोस्तों जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है उन सभी महिलाओं बेटे को कन्या सम्मान योजना की तरफ से 1 हजार नहीं दिया जाएगा। 1 हजार की प्राप्त करने के लिए अपने डीबीटी इनेबल होना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना होगा, ये वेबसाइट पर आने के बाद ये 3 लाइन पर सिंपली क्लिक करना होगा चौथी किस्त की पेमेंट चेक करने के लिए। अभी आपको सिंपली पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना है, उसके बाद देखिए नाउ योर पेमेंट करके एक ऑप्शन लिखा रहे आपको 3 नंबर के ऑप्शन पर मिलेगा नाउ योर पेमेंट, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। अभी आपको यहाँ पर बैंक नेम चार्ज करना होगा और मेरा जो बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है तो दोस्तों मैं यहाँ पर इंडिया चार्ज कर दूंगा। उसके बाद देखिएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऑलरेडी आ जाएगा, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है, इंडिया पोस्ट आ चुका है, इंडिया पोस्ट बैंक भी आ चुका है। आपको भी इसी तरह आपका बैंक नेम सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा। जो भी अकाउंट अपने आधार कार्ड से लिंक है जुड़ा हुआ है वही बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर डालना होगा। अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट है जो भी बैंक अकाउंट अपने आधार से जुड़ा हुआ है वही बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना होगा। तो दोस्तों सभी को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट नंबर डालना होगा, कॉन्फर्मेशन के लिए आपको सेम अकाउंट नंबर दोबारा यहाँ पर डालना है, उसके बाद ये जो कैप्सा है कैप्सा ये बॉक्स पर डालना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों अपने आधार यानी कि बैंक अकाउंट से जो भी मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP मिलेगा, आपको OTP भी यहाँ पर दर्ज करना होगा। दोस्तों OTP सेंड होने के बाद इसी तरह लिखा होगा, आपको सिंपली एंटर OTP की जगह OTP डालना है, उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, सबसे पहले योजना का नाम आएगा, कितना पैसा रिसीप्ट हुआ है इसके जानकारी मिलेगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ID भी मिलेगा, पेमेंट मेथड DBT मेथड ये भी आएगा और इसमें बैंक नेम भी लिखा रहे। तो दोस्तों अगर आपका योजना के तहत यहाँ पर नाम आ रहा है कन्या सम्मान योजना तो दोस्तों आपका कन्या सम्मान योजना की तरफ से 1 हजार आपका रिसीप्ट हुआ है। अगर आपका यहाँ पर
पीएम किसान सम्मान निधि योजना लिखा होगा तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से आपको पैसा रिसिप्ट हुआ है। अभी आप सबको कमेंट करके बताना होगा कि मैया सम्मान योजना की तरफ से आपको पैसा मिला कि नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो इतना तक है। जय हिंद, जय भारत।